ज्ञान टूड़िया तैयार हो रखी है और जखोली के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है। तो ये देखिए जखोली के लिए ज्ञान टूड़िया। हेलो पिटाल कूड़ा, ये बहुत शर्मा रही है, ये लड़की बड़ी शर्मीली सी है। तो अभी चल पड़े हैं जखोली के लिए। हेलो और अभी आप देख सकते हो इस बार बहुत कम है, बहुत खिचाली कौन चले। कैमाड़ा थाना जहाँ पर जखोली मनाई जाती है। ये अब क्या, ये देखो यहाँ पे मैकअप हो रहा है, नहीं पहचान रहा, फेस लॉक हो रही है, फेस लॉक रख रखा और वो मुझे नहीं पहचान रहा। तो आज से 2-3 साल पहले यहाँ पे बहुत भीड़ हुआ करती थी और इधर पूरे सब जगह बैठे होते थे, तो यहाँ पर बैठने की जगह नहीं होती थी। और आज आप देख सकते हो कोरोना काल में कैसा हो रहा है यहाँ पे। और इधर होती थी चाउमीन की, जलेबी की, पकौड़े की शॉपें, जो कि यहाँ से पूरे लास्ट लाइनिंग तक होती थी। और क्या क्या होता था, खिलौने, 5 रुपए वाले चश्मे, सबसे हाँ हम लोग पैसे बचाते थे। हेलो चाचा, है ना, हमें जले, सब लोग जलेबी और चाउमीन को बहुत मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर हम साल में जब हम छोटे होते थे तो हम पैसे बचाते थे 5 रुपए के चश्मे के लिए और चाउमीन के लिए, जलेबी के लिए, तो बहुत इंजॉय करते थे हम जखोली, बहुत मिस कर रहे हैं। फिर भी हम लोगों ने मनाई है थोड़ी बहुत। और ये पीछे कौन बैठा हुआ है, फोटो शूट हो रहा है अभी, देख जे देखो, इनके फोटो शूट ही खत्म नहीं हुए अभी तक। कैमाड़ा थाना और ये है यहाँ पे बहन, ये पोज दे रही है। तो ये देखिए दोस्तों, प्यारा सा प्लेस ये कैमाड़ा थाने के पास में ही है और हम अक्सर यहाँ पर जखोली के बाद आया करते थे फोटोशूट। फाइंस भी, जैसे कि मैंने बताया था, जलेबी पकोड़े सब वहाँ पे मिलते थे और यहाँ पर आके खाया करते थे। और ये देखो कि हमने बहुत किया है अपने बचपन में, अब नीचे जाएगा और अब दूसरे की बारी आएगी। यहाँ पे नंबर के लिए बहुत भीड़ रहती है। ओ भाई ये देखो फोटो शूट हो रहा है, चारों साइड बच्चे खेल रहे हैं। ये मेरी पलटन है, हवा हवाई, ये पूरी घाघरा पलटन हमारी पलटन है। हम वहाँ से आए, इस जंगल के बीच में जखोली होती है, कैमाड़ा यहाँ का नाम है। और ये पूरा यहाँ का नज़ारा है, ये पहुँची हम टॉप में जी। दोस्तों अभी हम वापस घर की ओर जा रहे हैं और ये देखिए हमें क्या मिला है। ये देखो ये यहाँ पे इनकी चोरी की जा रही है और इसमें आड़ू देखो, ये आड़ू के दाने हैं और इन्होंने निकाल के खा भी लिया है।
कि अकेले ला के अकेले खाया जा रहा है। हाँ जी, आप किसी को नहीं पूछेंगे हैं? पूछ ले भाई। अरे शक्ल तो दिखाई आप अपनी। भाई देना एक और ये देखो मिल गए। तो आज है सेकंड डे चखोले मेले का और हम पूरी फैमिली जा रही है। हेलो पापा, हेलो प्रिंसी, हेलो बोल। हम चखोली मेले के लिए जा रहे हैं। बोल चखोली मेले के लिए जा रहे हैं। और पापा हम पहुंचे कोटी गांव में। हेलो गाइस, हेलो गाइस। ये कोटी गांव है और यहाँ मैं अपने मामा के घर हूँ, बीच वाले मामा के घर। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कल और परसों में दो दिन में चकोली का मेला था। आज चकोली मेले को तीसरा दिन है और मैं आज अपने मामा के घर हूँ। ये मैं अभी जहाँ पर हूँ ये मेरे बीच वाले मामा है और इसके बाद हम बड़े वाले मामा के घर जाएंगे, उसके बाद छोटे वाले मामा के घर जाएंगे। तो ये चकोली मेला जो है हर साल होता है, 2-3 जून को होता है और उसके बाद आज के दिन यानी 4 जून को देवता की विदाई होती है। तो इस बार देवता तो नहीं आया लेकिन वहाँ का सिक्का आया था जो आज जाएगा। और बहुत इंजॉय किया है हमने चकोली मेले को और मेरी थोड़ी आवाज़ भी बैठ गई है क्योंकि हमने गाना भी गाया था, डांस भी किया था। और तो इसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे। मैं उससे पहले अपने मामा का घर और आपको बागी गांव दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये मेरे मामा का घर और यहाँ पर अभी पापा मामा मासी लोग सब बैठे हुए हैं। यहाँ से मेरा गांव भी दिखता है थोड़ा सा, ये रहा। बढ़िया लगता है, टाइम बढ़िया लगता है। नानी और मामी दोनों सिर को बनाते हुए बहुत सुंदर बनाया है। और यहाँ पर मम्मी और मासी दोनों खाने के लिए बैठ गए हैं और मामा जी काट रहे हैं यहाँ पर सलाद। और ये देखिए मामी जी अभी थाली परोस रही हैं पापा जी के लिए और मौसा जी के लिए। तो देखिए कितने सुंदर ये सिड़कू बने हैं। और ये जो प्यारे से सिड़कू बनाए गए ये बनाए हैं प्यारी सी मामी जी ने बनाए, हमारे जो नई भाभी जी है इन्होंने बनाए और बहुत। चलिए दोस्तों अब चलते हैं छोटे मामा के घर। तो अभी तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, सभी बैठे हुए हैं और अभी हम सिड़कू खा के आए हैं। और यहाँ पे दिन का खाना है तो उसके ही बारे में चर्चा हो रही है कि थोड़ा लेट खाएंगे। ये छोटे वाले मामा के घर और ये है जो नया घर बन रहा है मामा का। और यहाँ से आगे मामा के सेब का बगीचा शुरू होता है।
कहीं कहीं है इस बार, सेब ज़्यादा भी नहीं है। और इसके बाद जो बड़े वाले मामा जी का घर है वो है ऊपर, तो अभी मैं ये दिखाऊंगी जी। आप देखिए सेब बहुत ही अच्छे लगे हैं। तो दोस्तों अभी मैं आई हूँ अपने छोटे वाले मामा के यहाँ, जहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ उनके सेब का बगीचा। और ये छोटा सा है जो उनके घर के पास वाला बगीचा है, एक उनका दूसरा है जो घर से थोड़ा दूर है। और मामी जी यहाँ पर खाना बनाते हुए, आज दिन का खाना हमारा यहाँ है तो मामी उसी की तैयारी में है। बनाए पे रोटी, रोटी ये है चटनी का मसाला, इसमें है धनिया, नमक, टमाटर, चुल्लू, पुदीना, प्याज, लहसुन और लहसुन। अच्छा, ये बना रहे हमारे भाई जी। अभी हम शुरू कर रहे हैं कुछ ही देर में। भले बाल थोड़े कम हैं, बाल थोड़े कम है, बाल से कोई जज ना करे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये होता है शुरू चटनी बनाने का कार्यक्रम। चटनी की रेसिपी बनाना सीखे, स्वाद अनुसार नमक और मिर्च डाले। इसका थोड़ा सा भी बना नहीं है, अभी बचा हुआ है, अभी बचा हुआ है, आप देख सकते हो लजीज बना है अभी। इनको हम अच्छे से साफ कर लेंगे। पहले चावल ऐड कर रहे हो आप? चावल ऐड करेंगे, इनको हम अच्छे से साफ करेंगे, धोएंगे थोड़ा सा, खाएंगे, फिर खाएंगे, है ना? हाँ, ये अभी चावल डालते हैं, देखिएगा। बाकी हम स्वाद अनुसार आपको बाद में बताएंगे इसका स्वाद कैसा है। तिल ऐड करेंगे। अच्छा, पीसे हुए तिल है ये? बिल्कुल, जैसे पीस के रखे थे हमने। हमें पता था कि हम चटनी बनाएंगे, हमने परसों ही बनाई थी, जिसने भी खाई उसने उंगली तक खा ली। भैया के हाथ की चटनी खाना कभी बहुत अच्छी बनाते हैं। सब बन चुकी है, अब देख सकते हैं आप। बाहरी चटनी है, इसमें सबसे अच्छी जो चीज होती है वो पुदीना डाला गया और चुल्लू। और ये देख सकते हो आप, यमी यमी बनी है ये। अभी देखने में बनी है, खाने में पता नहीं है, अभी जब हम चेक करेंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कैसी बनी है खाने में। देखने में तो यमी लग रही है, लजीज देखने में बहुत। ये चटनी बन चुकी है, अब इसको टेस्ट किया जाएगा कि इसका स्वाद कैसा है, ये आपको सुमन जोशी बताएंगे, लीजिए। बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी, सुपर, एकदम पहाड़ों वाली चटनी। तो देखा हमने अभी, भैया ने अभी चटनी बनाई, मैंने वीडियो बनाई। तो अभी पहुंचे हम बड़े मामा के घर, चलो चलो। और यहाँ से शुरू होता है मामा का सेब का बगीचा। तो हम आ चुके अंदर, लगता है मामी जी और मामा जी ऊपर बैठे होंगे, तो चलते हैं ऊपर की ओर। तो ये फर्स्ट फ्लोर का नज़ारा आप देख सकते हो यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत गांव है बागी। और ये इस घर की खूबी ये है कि चारों साइड सेब के पेड़ है और ये बीच में ये घर है, ये चार चांद लगा देते हैं यहाँ के। तो जो खोलने के बाद दूसरे तीसरे दिन सभी मामा के घर जाती है। अब देखिए अभी सब बैठे हुए हैं यहाँ पर भी, और ऐसे ही सभी मामाओं के घर जाते हैं और बैठते हैं, बातचीत करते हैं, दो तीन दिन रुकते हैं, उसके बाद ही अपने घर जाते हैं। तो दोस्तों मैं अपना ब्लॉग करती हूँ यहीं पर ख़त्म, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।
तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।